हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 3, जो कि फुल लेंथ था। उसके क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट पर चलते हैं। द टेबल बिलो गिव्स द नेसेसरी डाटा अबाउट द क्रॉप विच इज कल्टिवेटेड बाय द कैनाल सिस्टम, ठीक है, डाइवर्टेड फ्रॉम द स्टोरेज टैंक। फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड। आपको इस क्वेश्चन में क्यों निकालना है? एट द हेड ऑफ द कैनाल बाय टेकिंग द टाइम फैक्टर फॉर द कैनाल इज 11/18, ठीक है। तो टाइम फैक्टर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 11/18। टाइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि कैनाल एक्चुअली कितने टाइम तक जो है उसमें पानी छोड़ा गया था, डिवाइडेड बाय द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप के बारे में आपको तीन तरीके की क्रॉप यहाँ पर दे रखी है। बताया गया है कि बाजरा जो है वो मानसून में उगाया जा रहा है, ठीक है। शुगर केन ये पेरिनियल क्रॉप होती है, थ्रू आउट द ईयर चलती है। और वीट जो है ये विंटर्स क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है, ठीक है। तो विंटर्स के अंदर इसकी डिमांड आएगी। तो पहली जो डिमांड है बाजरा की वो मानसून के अंदर है, और वीट की जो डिमांड है वो जो है विंटर्स में है। तो दो डिफरेंट सीजन्स के अंदर इसकी डिमांड यहाँ पर है। तो जब आप डिस्चार्ज निकालने जाएंगे तो बेसिकली डिस्चार्ज निकालते समय मानसून में जो डिमांड है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो आएगी बाजरा और शुगर केन के कारण। और विंटर्स की अगर बात करें तो विंटर्स में जो डिमांड आएगी वो शुगर केन प्लस वीट के कारण आएगी, क्योंकि दोनों ही उस समय जो है ग्रो की जा रही है, ठीक है। बेस पीरियड यहाँ पर गिवन है, एरिया गिवन है, ड्यूटी एट द कैनाल है। जिस जगह पर आपको डिस्चार्ज निकालना है उसी जगह पर ड्यूटी गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो आपका कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा ड्यूटी की डेफिनेशन, ठीक है। तो ड्यूटी की जो डेफिनेशन है वो कहती है, ठीक है, ड्यूटी की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि अगर आपको ड्यूटी निकालनी हो तो वो हमेशा एरिया इरिगेटेड डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज से निकलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर ड्यूटी गिवन है, एरिया गिवन है, डिस्चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी होगा, ठीक है। तो सबसे पहला निकाल लेते हैं, सबसे पहली जो डिमांड है वो है बाजरा के कारण, ठीक है। तो बाजरा की जो डिमांड है उसको अगर Q1 कह दें तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया डिवाइडेड बाय द ड्यूटी ऑफ द बाजरा, ठीक है। तो एरिया बाजरा के लिए आपको दिया गया है 350 है, और ड्यूटी जो है वो 1500 है, ठीक है। तो 350 डिवाइडेड बाय 1500, 350 डिवाइडेड बाय 1500, 350 आपको हेक्टर्स में दिया है, और ये आपको हेक्टर पर क्यूमिक यानी कि मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर यहां पर गिवन है। तो बेसिकली हेक्टर यूनिट से हेक्टर यूनिट गया और आपका डिस्चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा, दिस इज इन मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आ रहा है 0.233, दिस इज इन मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर क्यूब पर सेकंड में डिस्चार्ज का आपने मैग्नीट्यूड यहां पर निकाल दिया बाजरा के लिए जो दिया जाएगा, ठीक है। और इस डिस्चार्ज का मतलब ऑलरेडी ड्यूटी की डेफिनेशन के अंदर बताया जाता है कि ये थ्रू आउट द बेस पीरियड दिया जाए, ठीक है, थ्रू आउट द बेस पीरियड दिया जाए। यहां से चलते हैं सेकंड वाले केस में। अब निकालते हैं शुगर केन के कारण, ठीक है। तो शुगर केन का डाटा यूज करेंगे। शुगर केन के कारण जो डिस्चार्ज का मैग्नीट्यूड है अगर उसको Q2 कहे, ठीक है, तो Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा एरिया यानी कि 900 डिवाइडेड बाय 625, ठीक है। तो दिस इज 900 डिवाइडेड बाय 625, तो आपको यहां से मिल जाएगा 1.44 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज आ गया जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए? शुगर केन के लिए एट द हेड ऑफ द कैनाल, ठीक है। इसी तरीके से अब तीसरे वाले पार्ट पर चलते हैं। तो तीसरे वाले पार्ट में वीट के बारे में जानकारी दे रखी है। तो वीट जो है मैंने आपको बताया विंटर की क्रॉप है, ठीक है। तो आपको क्रॉप के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि वीट कब उगाया जाता है, ठीक है, बाजरे कब उगाया जाता है, शुगर केन कैसी क्रॉप है। इसके अलावा भी डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन जरूर रखें, ठीक है। तो यहां पर भी देख लेते हैं एरिया कितना है, 575 है डिवाइडेड बाय 1350 हो जाएगा। तो 575 डिवाइडेड बाय 1350, तो यहां से आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, दिस इज 0.426 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया कि दो डिफरेंट सीजन्स की हम यहां पर बात करेंगे, एक तो मानसून की बात करेंगे, मानसून में बाजरा और शुगर केन ये दोनों मिलकर के जो है डिमांड देंगे, ठीक है, क्योंकि शुगर केन आपकी पेरिनियल क्रॉप है यानी कि थ्रू आउट द ईयर चलेगी, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर चलेगी। तो इसकी डिमांड पूरे साल भर रहेगी, इसकी डिमांड सिर्फ मानसून में है और इसकी डिमांड सिर्फ विंटर्स के अंदर है। तो जब यहां पर आप डिस्चार्ज निकालने जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा। किसका मैक्सिमम लेना पड़ेगा? एक तो मानसून वाले का, ठीक है। तो मानसून वाली जो डिमांड थी वो थी आपकी 0.233 प्लस हो जाएगा, क्योंकि शुगर केन भी मानसून के अंदर होगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 1.44, ठीक है। तो एक तो ये फिगर, दूसरा जो फिगर है विंटर्स के लिए, फिर से विंटर्स के लिए आपके पास में जो डिमांड आएगी वो आएगी बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द शुगर केन यानी कि 1.44 एंड बिकॉज ऑफ द वीट दैट इज 0.426, ठीक है, 0.426
426. तो ये जो डिमांड है ये आप यहाँ पर निकालेंगे, ये डिस्चार्ज निकालेंगे, क्योंकि एक बार कैनाल जब डिज़ाइन कर दिया जाएगा, इन दोनों में से अगर मैक्सिमम लेकर के आप कैनाल को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मिनिमम वाले में ऑटोमेटिकली उतना पानी आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू से आपको यहाँ पर मिल रहा है 1.866, ठीक है, 1.866, दिस इज़ इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो मैक्सिमम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ये 0.233 है, ये 0.426 है, यही मैक्सिमम आएगा, तो बस इसको ऐड कर दो और सीधा सीधा लिख दो कि डिस्चार्ज जो कैनाल के हेड पर रिक्वायर्ड है वो 1.866 का है, ठीक है। ये तो तब होता जब लगातार बेस पीरियड के दौरान उसको चलाया जाता, ठीक है, बेस पीरियड के दौरान उसको चलाया जाता, लेकिन हमने यहाँ पर टाइम फैक्टर गिवन है, टाइम फैक्टर कितना गिवन है, 11 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। तो अगर 18 दिन के हिसाब से यदि इसको चलाते थ्रू आउट द ईयर चलाते, ठीक है, थ्रू आउट द बेस पीरियड यदि चलाते, तो जो डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी आपकी, वो थी 1.866, ठीक है, 1.866 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 18 डेज यदि इसको चलाया जाता तो डिस्चार्ज आंसर आपका ये होता, लेकिन 18 दिन के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो सिर्फ 11 दिन चलाया है, डिस्चार्ज दिया जा रहा है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, टाइम अगर कम हो जाएगा तो डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। तो टाइम फैक्टर जब यहाँ पर लगा देंगे तो जो डिज़ाइन डिस्चार्ज होगा वो 1.866, और डिस्चार्ज बढ़ाना है 11 डिवाइडेड बाई 18, टाइम फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है 3.053, दिस इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखें जो ड्यूटी आपको दे रखी थी वो हेड ऑफ द कैनाल पर ही दे रखा है, अगर डिफरेंट जगह पर दी जाती तो फिर हमको वहाँ पर उस लॉसेस भी कंसीडर करने पड़ सकते थे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर ना तो लॉसेस के बारे में आपको जानकारी दे रखी है, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ द कैनाल पर ही आपको जो है जानकारी दे रखी है और ड्यूटी भी आपको हेड ऑफ द कैनाल पर गिवन है, ठीक है, दिस विल बी द आंसर 3.053। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कैप्लान टरबाइन, ठीक है, टरबाइन आपको दिया गया है, कैप्लान टरबाइन है। कैप्लान टरबाइन कैसे होता है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रेशर एनर्जी को ये कन्वर्ट करवाता है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। इज टू बी डिजाइंड टू डेवलप 9100 किलोवाट, ठीक है। तो आपको बताया गया है 9100 किलोवाट ये पावर यहाँ पर डेवलप करनी है इस टरबाइन को यूज करके। द नेट हेड अवेलेबल, ठीक है, द नेट हेड अवेलेबल इज 5.6 मीटर, ठीक है। तो पेनस्टॉक के बॉटम पर आप बोल सकते हो कि जहां पर ये ब्लेड्स पर गिरने वाला होता है उस समय पर जो नेट हेड अवेलेबल है वो 5.6 मीटर है, यानी कि पेनस्टॉक के थ्रू जो हेड लॉसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, जो पाइप के थ्रू जिससे पानी लाया जाता है उसके थ्रू जो हेड लॉसेस होते हैं वो आपने कंसिडर कर लिए, ठीक है। इफ द स्पीड रेशियो इज 2.09, द फ्लो रेशियो इज 0.68, ओवरऑल इफिशियंसी इज 86%, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है आपको, एक तो स्पीड रेशियो दे रखा है, ठीक है, जो कि यू1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2gh होता है, और एक फ्लो रेशियो दे रखा है आपको 0.68 जो कि VF1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2gh होता है। ओवरऑल इफिशियंसी दे रखी है, तो ओवरऑल इफिशियंसी का मतलब पावर डिवाइडेड बाय रो क्यू जीएच, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे अगर किलोवाट के अंदर गिवन है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द बॉस इज 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द रनर, इसको देखेंगे क्या होता है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द रनर, इट्स ए स्पीड एंड द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन, ठीक है। तो तीन चीजें हमको निकालनी है। तो बेसिकली ये एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन होता है, कैसा ये दिखेगा तो उसको देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली यहां पर कुछ हब अटैच होगा यहां पे, ठीक है, इसके बाद में यहां पर ब्लेड्स अटैच होती है इस तरीके से, और ये जो है ये रोटेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डायमीटर है, जो ये मोटा सा पोर्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है, डायमीटर ऑफ बल्ब कहलाता है, जिसको डायमीटर ऑफ हब भी कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ बॉस भी आप कह सकते हो, और आउटर टू आउटर जो ये डायमीटर है ये आपके डायमीटर ऑफ रनर कहलाएगी, कैपिटल डी इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ से गाइडेड वैन से होता हुआ, ठीक है, बेसिकली यहाँ से जो है वाटर इन ब्लेड्स के ऊपर पड़ता है, ठीक है, यहाँ से इन ब्लेड्स के ऊपर पड़ता है, तो फर्स्ट पॉइंट पर जाकर के, ठीक है, इनलेट होता है, फर्स्ट पॉइंट से इन करेगा और सेकंड पॉइंट पर जाकर के ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट से ये एंटर किया और सेकंड से निकल गया, ठीक है, और जो एरिया ऑफ फ्लो होगा वो अगर आप देखें तो ऊपर से देखने से आपको टॉप व्यू देखने से ऐसा नजर आएगा कि बीच वाला पोर्शन तो सारा कवर्ड है, ठीक है, बॉस से और शाफ्ट से, और जो पानी निकलेगा वो इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो आपके पास में जितनी भी वेलोसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन आप बोल सकते हो, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
तो बेसिकली जो डाटा दिया गया है उससे कुछ चीज़ें निकाल देते हैं, कैसे यूज़ होगा क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग देख लेंगे। स्पीड रेशियो भी गिवन था, ठीक है, तो स्पीड रेशियो इज यू वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू जी एच, दिस इज गिवन इज 2.09, ठीक है, द स्पीड रेशियो गिवन इज 2.09, तो यहाँ से हम यू वन निकाल पाएंगे, ठीक है, द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द वेन, ठीक है, तो दैट इज 2.09 अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय द हेड अवेलेबल वॉज 5.6, ठीक है, तो यहाँ से यू वन आ जाएगा, दैट इज 21.95 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई यू वन। इसके बाद में आपको फ्लो रेशियो भी गिवन है, फ्लो रेशियो कितना होता है, फ्लो रेशियो इज डिफाइंड एज वी एफ वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2gh, ठीक है, दिस इज द फ्लो रेशियो, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2gh, और ये आपको गिवन है 0.68, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एफ वन, तो वी एफ वन आ जाएगा आपका 0.68 एंड अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय h, दैट इज 5.6, तो यहाँ से वी एफ वन आपको मिल रहा है 7.12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 7.12 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं, आगे आपको एफिशिएंसी का डाटा गिवन था, जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज 86%, ठीक है, तो 86%, ठीक है, परसेंटेज में लिख देते हैं, ध्यान रखना परसेंटेज में लिख रहे हो तो जो फॉर्मूला होगा पी, पी को लिख रहे हैं किलोवाट के अंदर, और जो पावर वहाँ पर जो है दी गई थी, सप्लाई की गई थी, ये तो आउटपुट है, और इनपुट कितना था, रो क्यू जी मल्टीप्लाइड बाय एच डिवाइडेड बाय 1000, 1000 क्यों किया, ताकि ये किलोवाट में बने, क्योंकि ऊपर डाटा किलोवाट में है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर परसेंटेज में लिया है, ठीक है, तो यहाँ से पावर का जो आपको वैल्यू दे रखा है उसको पुट कर देंगे, ठीक है, पावर गिवन इज 9100 शायद गिवन है, ठीक है, दिस इज 9100 एंड रो वाटर था 10^3 मल्टीप्लाइड बाय क्यू, हमको यहाँ पर नहीं पता, और इस इक्वेशन से हमको क्यू ही मिलेगा, 5.6 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है, तो क्यू आ जाएगा आपका 192.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, 192.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज द अमाउंट ऑफ द डिस्चार्ज विच इज फ्लोइंग हियर, ठीक है, तो कैपलाइन टर्बाइन के थ्रू जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो आपका 192.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जो डिस्चार्ज निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, बीच वाला एरिया, तो ठीक है, किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बल्ब ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ बल्ब है, और ये वाली जो डायमीटर है ये आपने कैपिटल डी इसको सिंबल लिया था, तो बेसिकली जो डिस्चार्ज होगा वो इस वाली जगह से होगा, ठीक है, इस वाली जगह से होगा, और डिस्चार्ज का मैग्नीट्यूड यदि निकालना है, ठीक है, तो क्यू बराबर एरिया मल्टीप्लाइड बाय वी एफ वन आप कर देंगे, क्योंकि यहां पर सारी की सारी जो इनलेट पर वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया ही है, ठीक है, तो डिस्चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, 192.6 था, ठीक है, दिस वाज 192.6, एरिया हो जाएगा पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर माइनस डायमीटर ऑफ बल्ब का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वी एफ वन, वी एफ वन क्वेश्चन के अंदर आया था 7.12, तो सारा डाटा किस यूनिट में डाला है, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में है, ये आपने मीटर पर सेकंड में डाला है, तो डायमीटर्स आपको जो है मिलेगी यहाँ से वो मीटर में मिल जाएगी, और डायमीटर ऑफ बल्ब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द बल्ब इन द क्वेश्चन, ठीक है, द डायमीटर ऑफ द बल्ब या बॉस या हब, दिस इज गिवन इज 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द रनर, ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि डी बाई 3 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप डी बाई 3 पुट कर दो, इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, सॉल्व करेंगे तो डायमीटर मिल जाएगी आपको कैपिटल डी, ठीक है, तो कैपिटल डी जो आपको इस इक्वेशन से मिल रहा है वो है 6.21, ठीक है, तो रनर की डायमीटर हमारे पास आ गई, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा है उसको देख लेते हैं, ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द रनर, काम खत्म, ठीक है, बॉस की डायमीटर नहीं पूछी, छोड़ दो, ठीक है, इट्स ए स्पीड एंड द स्पेसिफिक स्पीड, तो स्पीड पूछी है, तो स्पीड यू वन हम निकाल चुके हैं, ठीक है, स्पीड हम यू वन निकाल चुके हैं, लेकिन वो मीटर पर सेकेंड में है, जब भी शाफ्ट में स्पीड बतानी हो कहीं पर भी तो वो स्पीड बताई जाएगी किस में, आरपीएम के अंदर, ठीक है, तो आरपीएम में स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पाई डी एन डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज यू वन, और ये आपने निकाला हुआ है पहले ही, यू वन था आपके पास में 21.95, ठीक है, तो 21.95 हो गया, डायमीटर क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, 6.21 मीटर है, ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमको n मिल जाएगा, और n की जो यूनिट होगी वो आरपीएम होगी, ठीक है, तो कैपिटल n फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, कैपिटल n फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इज 67.5 आरपीएम, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, पाई डी की वैल्यू को पुट करें, 6.21 एन आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ एन ही अननोन है इधर, और ये आपने रखा था किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में काम किया,
एमकेएस यूनिट में काम किया, एन आपको आरपीएम में मिल जाएगा रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर, ठीक है। अब हमको एक और टास्क के क्वेश्चन के अंदर वो है एनएस निकालना, स्पेसिफिक स्पीड निकालना है। तो टर्बाइन के अंदर स्पेसिफिक स्पीड दी जाती है एन अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय एच रेस टू दी पावर 5/4 से, ठीक है। अगर बात करते हो पंप की, ठीक है, पंप की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं लेकिन रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पंप के लिए जो स्पेसिफिक स्पीड है, फॉर्मूले सारे डिराइव करवाए हुए मैंने क्लासेज में, ठीक है, एक एक चीज़ आपको पता है। एन अंडर रूट क्यू, क्योंकि पंप के अंदर टारगेट जो होता है, फाइनल जो टारगेट होता है वो डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना होता है, और यहाँ पर टर्बाइन के अंदर जो फाइनल टारगेट होता है वो पावर प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो पावर के फॉर्मूले से डिराइव होता है इफिशियंसी की डेफिनेशन को यूज करते हुए, और ये आपके डिस्चार्ज के फॉर्मूले से डिराइव होगा एच रेस टू दी पावर दिस वॉज 3/4, ठीक है। तो पंप के अंदर फॉर्मूला ये है और टर्बाइन के अंदर फॉर्मूला ये है। तो एन एस निकाल देते हैं फटाफट से, एन एस निकालेंगे, एन की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, दैट इज 67.5, दिस वॉज 9100 किलोवाट में डाल रहे हैं आप, ठीक है। दो तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, किलोवाट में भी डालते हैं और हॉर्स पावर भी डालते हैं। तो किलोवाट में डाटा दे रखा है, किलोवाट में ही यूज़ कर लो, ठीक है। तो 5.6 रेस टू दी पावर 5/4, तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा 746, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक स्पीड आ रही है वो 746 है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, कैप्लान टर्बाइन में किस तरीके से जो है कैलकुलेशंस चलती है वो मैंने आपको बताया, कैप्लान टर्बाइन किस तरीके का टर्बाइन है, ठीक है। तो इनका जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप हमेशा देख करके रखो, बेसिक फार्मूलाज देख करके रखो, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आपको जो है उठा करके दिया जा सकता है, ये भी काफ़ी ईजी पड़ता है, ठीक है। ईजी तो वैसे सारी है, पेल्टन टर्बाइन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं, ठीक है, लेकिन कैप्लान से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, फ्रांसिस से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन ए बी, लाइन ए बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -647.3 एंड +457.2 विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। कैलकुलेट इट्स कोऑर्डिनेट विद रेफरेंस टू द ट्रू मेरिडियन गिवन दैट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 10° 8' इज, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी डेफिनेशंस क्लियर होगी आपकी इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, देखो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा मैथ्स में चलते हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर यदि चले हम, तो मैथ्स के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आपने और वाई एक्सिस यहाँ पर आपने, ठीक है, इस तरीके से आपने ले लिया, हॉरिजॉन्टल पर एक्स लिया है, वर्टिकल पर आपने वाई लिया है, ठीक है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 3, 4, तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली 3 बताता है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 3, और ये बताता है आपको कि ये मैग्नीट्यूड कितना है, ये मैग्नीट्यूड 4 के बराबर है। बात समझ में आती है? तो पहला कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी लाइन को भी यदि ड्रॉ करते हैं तो आप थीटा कहाँ से लेते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हो, थीटा बढ़ाते 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 पूरा सर्किल कंप्लीट करें तो आप इस तरीके से जाते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सर्वेइंग की। सर्वेइंग के अंदर यदि आपको पता हो जितने भी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, जैसे WCB सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ से जो है एंगल्स मेजर किए जाते हैं, और एंगल को कैसे बढ़ाते हो, आप ऐसे बढ़ाते हो, तो बेसिकली ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है, उसके बाद में ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। तो जैसे पहले आपने मैथमेटिक्स में एक्स डायरेक्शन से शुरू किया था, आपने यहाँ पर नॉर्थ से शुरू किया, यानी कि आपने वाई से शुरू किया, तो जो पहला कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो आपको बेसिकली नॉर्थ का मैग्नीट्यूड देगा, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट देगा एक तरीके से, अगर आप मैथमेटिक्स की तरह से जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर किसी भी लाइन को आप ड्रॉ करते हो, लेट सपोज दिस इज द लाइन ए बी, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, एल के बराबर है, एंगल कहाँ से मेजर हुआ, यहाँ से आपने मेजर किया, तो इस लाइन के दो प्रोजेक्शन आते हैं, एक तो प्रोजेक्शन आता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन एक्सिस, और दूसरा आता है पैरेलल टू द मेरिडियन एक्सिस। तो मेरिडियन एक्सिस के जो परपेंडिकुलर वाला जो यहाँ पर प्रोजेक्शन मिला, इसको तो डिपार्चर कहते हैं, और इसको आप लैटिट्यूड कहते हैं। तो जब भी कोऑर्डिनेट सर्वेइंग में लिखे जाएंगे, पहला कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, लैटिट्यूड लिखा जाएगा, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो डिपार्चर लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा कंपैरिजन मैंने आपको बताया, क्यों ऐसा हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रीड करते हुए चलते हो, और सर्वेइंग के अंदर जनरली जो है नॉर्थ से आप मेजर करते हो, अगर आप WCB में काम कर रहे हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें सर्वेइंग में जो डिफाइन है वो WCB से ही डिफाइन है। तो आप यहाँ पर अब आगे चल सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो
क्वेश्चन के अंदर जो जानकारी दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर कुछ बताया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ यदि इसको ले लें, लेना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए थे, पहला कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड हो जाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट डिपार्चर हो जाएगा, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, किसके रेस्पेक्ट में दी गई थी, मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में दी गई थी, इस वजह से मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ को कैसा बनाया, वर्टिकल बनाया, ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ के रेस्पेक्ट में लैटिट्यूड नेगेटिव है, लैटिट्यूड नेगेटिव का मतलब क्या, साउथ में है, और डिपार्चर पॉजिटिव है, इसका मतलब ईस्ट में है। तो बेसिकली आपकी जो लाइन ए बी बनेगी, ठीक है, जो लाइन ए बी बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है। दिस इज द लाइन ए बी। अब ये जो लाइन ए बी है, इसमें इस एंगल को मैं कुछ समय के लिए थीटा कह देता हूँ, ठीक है। इसके दो प्रोजेक्शन से इनकी वैल्यू दे रखी है आपको। तो इसका जो प्रोजेक्शन है, यानी कि जो डिपार्चर वैल्यू है, ठीक है, डिपार्चर वैल्यू है 457.2, ठीक है, दिस इज 457.2, और जो लैटिट्यूड है वो है 647.3। अगर आप टेन थीटा निकालो, तो आप सीधा सीधा ज्योमेट्री से निकालो, यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इस ट्राइंगल में देखें तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है 457.2 और जो बेस है वो है 647.3। तो यहाँ से अगर थीटा निकालें तो थीटा आपको मिल जाएगा 35 डिग्री 14 मिनट, ठीक है, 35 डिग्री एंड 14 मिनट, ठीक है, 35 डिग्री 14 मिनट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगल विच इज रीड फ्रॉम दिस टाइटल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि यहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 10 डिग्री 8 मिनट ईस्ट में है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इसका मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंक्लाइन है, कितने एंगल से, 10 डिग्री 8 मिनट की तरफ से, ठीक है, 10 डिग्री 8 मिनट से। तो यहाँ पर अगर 10 डिग्री 8 मिनट अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ को यदि आप बताना चाहते हैं, ठीक है, तो ट्रू वाली लाइन से, ठीक है, तो ट्रू वाली लाइन जो है वो आपकी कुछ ऐसी है, दिस इज द ट्रू लाइन, ठीक है, तो आप बोल देंगे दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रू नॉर्थ। और यहाँ से जो एंगल है नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है, ईस्ट की तरफ है, और कितने एंगल से है, 10 डिग्री 8 मिनट है, ठीक है, दिस इज 10 डिग्री 8 मिनट। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा था। तो ये वाला जो आपके पास में एंगल है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10 डिग्री 8 मिनट। तो बचा हुआ जो एंगल है ये निकाला जा सकता है, 35 डिग्री 14 मिनट में से 10 डिग्री 8 मिनट माइनस कर दो तो बचा हुआ ये वाला एंगल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल आपको मिल रहा है, दिस इज 25 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 25 डिग्री 6 मिनट। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, कैलकुलेट इट्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू मेरिडियन। तो हमको सारी डिटेलिंग जो चाहिए इस लाइन ए बी की, वो ट्रू मेरिडियन के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए, इस वजह से मैंने एंगल निकाला है ये ट्रू मेरिडियन के साथ में, ठीक है। तो अगर दूसरा डायग्राम यदि हम बनाएं ट्रू नॉर्थ के साथ में तो कैसा बनेगा वो देख लेते हैं जरा। तो बेसिकली अगर ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में अगर लाइन ए बी की पोजिशन देखोगे तो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, और अगर इस एंगल को जैसे अल्फा कह दें जो कि 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री एंड 6 मिनट है, ठीक है, 25 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स अब निकालने हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ट्रू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो इजीली निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इजीली निकल जाएगा, ठीक है, इस लाइन की जो है लेंथ निकाल लो, ठीक है, तो पिछले वाले ट्राइंगल को यूज करके ही लेंथ निकाली जा सकती है, ठीक है। तो पिछला वाला जो ट्राइंगल था आपका, इसमें ये वाली चीज पता है, ये वाली चीज पता है, तो लेंथ निकालनी है, तो लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 647.3 का स्क्वायर प्लस 457.2 का स्क्वायर। तो लेंथ मिल जाएगी लाइन ए बी की, और लेंथ मिल रही है आपको 792.48 मीटर, ठीक है, 792.48 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो है हम सीधा सीधा इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो लेंथ आपको मिल रहा है उसको यूज करें, तो लेंथ इज इक्वल टू 792.48। अगर लेंथ मिल गई तो आपको बस कंपोनेंट करने हैं, अल्फा एंगल निकाल चुके हैं, ये वाला जो है मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लो इसको, तो स्मॉल एल हो जाएगा, स्मॉल एल मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, यस और नो, स्मॉल एल मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा, ये आपका डिपार्चर होगा, और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल एल मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये लैटिट्यूड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू मेरिडियन, यही क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो डिपार्चर निकालें तो एल एल हो जाएगा 792.48 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा 25 डिग्री एंड 6 मिनट, ठीक है, 25 डिग्री 6 मिनट। तो यहां से आपको वैल्यू मिल रही है डिपार्चर की, दैट इज 336.17 मीटर, ठीक है, 336.17 मीटर।
और अगर आप लैटिट्यूड पर नजर यदि दौड़ाया तो लेंथ का मैग्नीट्यूड तो कंपोनेंट से मिल जाएगा, और ये कहाँ है, नीचे की तरफ है, इस वजह से ये नेगेटिव होगा, साउथ में था, ठीक है, माइनस एल कॉस अल्फा, ठीक है। तो अगर आप लैटिट्यूड की टर्म्स में इसको बोलना चाहें तो ये माइनस एल कॉस अल्फा होगा, माइनस 792.48 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 25 डिग्री एंड 6 मिनट। तो यहाँ से आपको लैटिट्यूड मिल रहा है माइनस 717.64 मीटर, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ द लैटिट्यूड विच यू आर गेटिंग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिले आपको, ठीक है। आपको ये पता चला कि सर्वेइंग के अंदर जो है हम किस तरीके से एंगल्स वगैरह मेजर करते हैं, किस वजह से जो है लैटिट्यूड पहले लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद डिपार्चर को लिखा जाता है। मैथ्स से कंपेरिजन किया है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो डिक्लिनेशन दिया गया था उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट की तरफ डिक्लाइन है और कितने एंगल्स हैं, 10 डिग्री 8 मिनट से। तो सारा डाटा जो आपको पहले दिया गया था मैग्नेटिक नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, उसको हम कन्वर्ट करवा दिए किसके रेस्पेक्ट में, ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट में हमारे पास में एंगल यहाँ पर आ गया। जैसे ही एंगल आया, ठीक है, हमको बताना था कि ये ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट में ये मैग्नीट्यूड कितना है और ये मैग्नीट्यूड कितना है। तो उसको और अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पर सेकंड डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है। तो ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट में लाइन ए बी जो इंक्लाइन है वो 25 डिग्री 6 मिनट पर है, ठीक है। कंपोनेंट कर दिए तो ये कंपोनेंट डिपार्चर हो गया, ये कंपोनेंट लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। और ये कहाँ है, नीचे की तरफ है, यानी कि साउथ में है। साउथ में होने की वजह से आपने इसको नेगेटिव लिखा, किसको, लैटिट्यूड को, ठीक है। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट।